ये है थानेदार सिंह, डाकू थानेदार सिंह। दुनिया का हर गुनहगार इससे डरता है। इसका नाम सुनते ही हर पापी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ये पानी के पंप की आवाज सुनते ही दीवाना हो जाता है और पागलों की तरह पंप को बंद कर देता है। ये ऐसा क्यों करता है? पंप की आवाज इसके दिमाग के एक एक तार को हिलाकर क्यों रख देती है? ये बेचारा खुद भी नहीं जानता, क्योंकि इसकी याददाश्त जाती रही और उसी के साथ इसके बचपन के कई साल खो गए। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब इस इलाके में जबरदस्त सूखा पड़ा था। अरे रामू, नाराज हो गया क्या? ले खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और अगर बाबू मेरे लिए पुलिस के कपड़े नहीं लाए तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। अरे खाएगा कैसे नहीं, तेरा बाप इतना गरीब नहीं है कि तेरे जन्मदिन पर एक छोटी सी खुशी भी पूरी ना कर सके। ये ले, अब तो खुश हो गया ना? थानेदार के कपड़े, अब मैं हमेशा ये वर्दी पहनूंगा और बड़ा होकर थानेदार बनूंगा। मैं अभी खेल लेता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं लाया। तेरे लिए ये ले बेटा, मिठाई लाया हूँ। सुनो, घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, फिर ये कपड़े के लिए पैसे कहाँ से आए? राम का लॉकेट बेच कर लाया हूँ। ये तुमने क्या किया? जानते नहीं कितनी मुश्किल से दोनों बच्चों के लिए मन्नत के लॉकेट बनवाए थे और तुमने उसे बेच डाला। अगर बच्चे की खुशी के लिए लॉकेट नहीं तो क्या बैलों की जोड़ी बेच देता? इस साल तो ऐसा सूखा पड़ा है कि पानी की एक बूंद तक नहीं। तू का है ना, अमीर होती है, अपने पुरखों की जमीन है, अगर पानी नहीं बरसा तो अपने पसीने से सींच डालूंगा। शाबाश बेटे, शाबाश। चले हुआ। पानी से हमारी खेती हो जाएगी और कितने आदमियों का पेट भरेगा? कुत्तों को मिलाकर तो पानी बेकार हो रहा है। पागल हो गए क्या? हिंदुस्तानी आदमियों पर ठाकुर साहब के बिलायती कुत्तों से मुकाबला करते हो? अरे कलवा, ठाकुर साहब के बिलायती कुत्तों से ज्यादा तो तुम जैसे देसी कुत्ते भोग रहे। अबे मुझे कुत्ता कहता है? रुक जाओ, ये क्या शोर हो रहा है कलवा? सरकार, सरकार, मुंडे तो ले लिए। हराम साधे तेरी ये हिम्मत। सरकार, अगर आपका हुक्म हो तो इसके पीछे कुत्ते छुड़ा लो। इन देसी कुत्तों पर अंग्रेजी कुत्ते नहीं छोड़े जाते, इनका इलाज तो हम जानते हैं। अबे उल्लू के पट्टे, ठाकुर विक्रम सिंह का उठा हुआ हाथ तो भगवान नहीं रह सकता। कैसे एक बच्चा भगवान का रूप होता है? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये छोटी सी चिंगारी बढ़कर शोले बन जाए। छोटे, इन नीच लोगों को तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आएगी। ये लोग तो सिर्फ एक भाषा जानते हैं, क्या सही? ठाकुर, जरा से पानी के लिए एक गरीब का खून दोगे? कुछ मजा नहीं आया। ये हो ही ना कोई बात।
थोड़ी सी मुझे भी दीजिए। नहीं बेटा, आप अभी बहुत छोटे हैं, आपको हजम नहीं होगी। जब आप बड़े हो जाएंगे तो हम एक शानदार जश्न करेंगे, उस जश्न में बड़े बड़े राजे महाराजों को बुलाएंगे और उस रोज हम आपको अपने हाथ से खुद पिलाएंगे। बेटा, उसी दिन ये चेन हम आपको प्रेजेंट करेंगे। वही किसान का लड़का जिसके पिता को आज तेरे चाचा ने गोली मार दी। और अब मैं तेरे चाचा से अपने पिता की मौत का बदला लेने आया हूँ। कहाँ है तेरा चाचा? तू मेरे चाचा से बदला लेगा? अभी बताता हूँ चाचा कहाँ है। वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं फेंक दे, फेंक दे। आपके बेटे राम की चिंता आपसे ज्यादा पुलिस को है। उसने गांव के बड़े ठाकुर का खून किया और फरार हो गया। लेकिन ठाकुर ने जो मेरे पति का खून किया है उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? उसका कोई सबूत नहीं। और मेरे बेटे ने खून किया है, इसका आपके पास क्या सबूत है? कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। खैर, इस बात का फैसला तो अदालत करेगी। अब आप अपने गाँव जाइए। माँ, मुझे प्यास लगी है। लो, अभी बैठा और अभी प्यास लगी। हाँ, पानी लाओ ना, मुझे बहुत प्यास लगी माँ। माँ, Thank you.
उसे उठाकर हमारे पास ले आओ। गाड़ी रुको। ड्राइवर, नदी किनारे जो बच्चा पड़ा है, देखना वो जिंदा है या नहीं। अरे ये तो अभी तक जिंदा है। इसे घर ले चलो, शायद इसी बहाने भगवान मेरी वीराने घर में बाहर लाना चाहता है। बेटे, कौन हो तुम? कहां के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आया हूं? लगता है अपनी याददाश्त खो गए। थानेदार? सरदार, इसके हाथ पे तो फकत सिंह लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज से इसका नाम थानेदार सिंह होगा। काश इसे अपना खोया हुआ बचपन याद आ जाए, काश अपने पिता का खून याद आ जाए जो इसी पानी में बहाया था। लेकिन इस बेचारे को तो कुछ भी याद नहीं, न मां की शक्ल, न पिता का खून, और न अपना छोटा भाई लक्ष्मण। इसे सिर्फ इतना मालूम है कि ये लॉकेट इसके बचपन की निशानी है। न माँ बाप की शक्ल याद है, न भाई की। कौन हूं? मेरे माँ बाप कौन थे? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सरदार, रामगांव से एक लड़की आपको मिलने आई है। भैया भैया, मैं एक दुखियारी गरीब लड़की, तुम्हारे सिवा और किसका सहारा है? मैंने सुना है तुम गरीबों के लिए भगवान हो। क्या चाहती हो तुम? मेरा गरीब बाप बूढ़े जानकी दास के पास बुरी तरह से गिरवी है और वो बुढ़ा मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। और ठाकुर, ये लड़की एक गरीब किसान से शादी करना चाहती है। बहन, तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसे तुम चाहती हो। मेरा मतलब ये कि हवेली में कुछ नहीं। सारी बाहरें रह गई हैं, कहो तो उन्हीं को उठा के लाऊं मैं। नहीं नहीं, उन्हें ना उठाना। ये थानेदार सिंह जब वहां पहुंचेगा तो साठ टकराने के लिए दीवारें ही तो रह जाएंगी। ये बाजा क्यों बंद हो गया? अब तो उतर जाइए। आ गया ससुराल, आ गया ससुराल। चलो शुभम भाव तो कल यहाँ नाश्ता। इधर नारियल भी टूट गया। क्या वाइज मुनीर, क्या वाइज मुनीर, किसी चीज कोई फाड़ नहीं छोड़ना। साहब, अब तो दरवाजा बंद कर दीजिए, सब लोग अंदर आ चुके हैं।
भाई जी, बिन घुंघरू के नाचोगी तो हम बाजा कैसे बजाएंगे? बाजे वाले, तुम शायद मुझे पहचानते नहीं। मैं वो हूं कि जिसकी निगाहें उठती हैं तो तूफान बर्पा हो जाता है, और जब कदम उठते हैं तो घुंघरू अपने आप बजने लगते हैं। वो कैसे? मैंने घुंघरू पाया।
थानेदार सिंह, तुम बैंड वाले का भेस बदल कर मेरी आंखों में धूल नहीं डाल सकते। बाजा बजाने आए थे ना? थानेदार सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। मुझे पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं। बेहतर यही होगा कि जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं वो काम मेरा पूरा होने दे जाए। चलिए चलिए। कैसा? जब दिल जलेगा धुआं तो होगा ही, है ना इंस्पेक्टर? चलिए चलिए। नीच देख इस लड़की की तरफ, देख। ये तेरी बेटी बनने के लायक है और तू इससे शादी करना चाहता है? लखन सिंह, इसका माल ले लो और सारे बही खाते जला दो। बहन, जब तुमने शादी का जोड़ा पहना है तो तुम्हारी शादी भी जरूर होगी, लेकिन उस बूढ़े के साथ नहीं, बल्कि इस गरीब इंसान के साथ जिसे तुम चाहती हो। बैठो पंडित, मंत्र पढ़ो। दुनिया वालों की नजरों में डाकू है, लेकिन बात है। शादी करवा रहे हो थानेदार सिंह, अच्छा कर रहे हो। यहां से बचकर निकल नहीं पाओगे। हमें कौन रोकेगा इंस्पेक्टर? आपके सिपाही जो हमारा ही निशाना बनकर खड़े हैं। जी नहीं, डीएसपी साहब अपनी तमाम पुलिस फोर्स के साथ आपका इंतजार बाहर कर रहे हैं। डीएसपी साहब, आप अंदर चलिए, मैं बाहर का मोर्चा संभालता हूं। अंदर आओ, अंदर आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। लाखन जी सरदार। थानेदार सिंह, गोलियां चलाना बंद करो वरना बेकसूर बाराती मारे जाएंगे। डीएसपी साहब, डीएसपी साहब, गोलियां चलाना बंद कीजिए, मैं यहां हूं। इंस्पेक्टर शर्मा जी, थोड़ा इन्हें। थानेदार सिंह का सर, थानेदार सिंह हमारे तमाम सिपाहियों की बंदूकें लेकर चला गया। आई एम वेरी सॉरी। आई सी, ये उसने एक मेजर क्राइम किया है। थानेदार अजी, मैं तो चौकीदार भी नहीं हूँ, हवलदार हूँ। अच्छा हवलदार साहब, तुम जरा मेरे साथ अकेले में चलो। अकेले में चला तो चलूं, मगर मेरी नौकरी चौपट हो जाएगी। आप नहीं जानती है मैडम, मेरी पगार इतनी कम है कि मेरा घर भी नहीं चलता। मुझे महीने का राशन लाने के लिए अपनी बीवी की चूड़ियां गिरनी रखनी पड़ती है। तुम सब रोने लगे। कौन रोता है? मेरा नाम मानसिंह गंडोत्रा है। क्या है? मानसिंह गंडोत्रा साहब, तुम्हें पता है ये रॉकी कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? अरे वाह, केले में मुझे बुलाती हो और पता बदमाशों का पूछती हो, तुम्हें इससे क्या काम? अरे इसी की तो मुझे तलाश थी, बताना कहाँ मिलेगा। बताना कहाँ मिलेगा? अरे अगर मुझे मिल जाता तो मैं पेट पकड़ के खुद अंदर नहीं हो जाता। मेरा मतलब ये है कि मैं थानेदार बन जाता और मेरी कुंवारी बहन का भोला मुखड़ा उदास क्यों रहता, मैं उसके हाथ भी ढीले नहीं कर देता। आई एम वेरी सॉरी। ओ थैंक यू वेरी मच, समझ गया। हाथ ढीले नहीं होंगे, ढीले नहीं होंगे, ढीले नहीं होंगे। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इस जन्म में तुम मुझसे बच कर नहीं जाना। वाह, जब अल्लाह मेहरबान तो रॉकी पहलवान। मेरी 10,000 की चाल आई। अरे रॉकी, 10,000 रुपया तो पुलिस ने तुझ पर इनाम रखा है,
पत्ते तो उठा। सो ये गेम मेरी। आ, आ, आ। एक दो तीन और ये दो इक्के तेरे। अबे चिड़ी के एक पैक में पांच इक्के कैसे हो सकते हैं? एक फिल्म के अंदर अगर पांच पांच हीरो हो सकते हैं तो क्या ताश की गड्डी के अंदर पांच इक्के नहीं हो सकते? आपकी तारीफ कमाल है। आपने मुझे पहचाना भी नहीं, मेरा ऑटोग्राफ भी नहीं किया। टू बैड, इट्स टू बैड। ये मत भूलो कि 10,000 रुपया वैसे भी हम पुलिस से वसूल कर सकते हैं। हमारा आदमी पुलिस को फोन करेगा और तुम अंदर। बोल, थोड़े का डिजाइन बिगाड़ू? नहीं हाँ? नहीं नहीं, जा लोड लेकर आ और जिम कर लाना। सिंगल बनाऊं या डबल? अबे मैं दारू पीता नहीं। फट, ये लो 20,000 और ये 2,000 ये तुम रख लो अपने और अपने साथियों के इलाज के लिए, समझा? राखी, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गरीब मुंबई में भूखा मारा। अरे भूखा मारी गया, भूखा मारी गया। अरे उसे ना बाबा, नीचे उधर। ए फ्लाइंग रानी, तुमने मुझे पुलिस से बचाया क्यों? ये देख, आप इसका कमरा नंबर 127। अरे ये क्या, मैं सलीम और तुम अनारकली? यकीन नहीं आता। यकीन तो पहले मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर मैं इतिहास के बड़े बड़े लेखकों से मिली। वो लोग मेरी शक्ल देखते ही चौंक उठे। बस उसी दिन से मुझे सलीम की तलाश थी और आज वो तलाश पूरी हुई। ए मैम साहब, आजकल के मॉडर्न जमाने में पुनर्जन्म की बातें सब बकवास है। ये लो, क्या नाम है तुम्हारा? अनारकली। मैं इस जन्म की बात कर रहा हूँ। रीटा मेरे सलीम। मैं सलीम नहीं हूँ। ऐसी भी क्या बात है, अभी तो ये पहली मुलाकात है और तू अभी से ही रोने लगी, धोने लगी, खोने लगी। जान जा, मत जा, मत जा, रो जा दिल मेरा, दिल ना, दिल रुका, हर ना जा।
जन्म कैसा वादा हसीना जान, ऐसी भी क्या बात है, अभी तो ये पहली मुलाकात है, और तू अब जहर होने लगी, धोने लगी, खोने लगी, जान जा मत जा मत जा। ये क्या मजाक है मेरी अनार? ये मजाक नहीं था सलीम। अच्छा तो ये है तेरा जन्म जन्म का प्यार? प्यार नहीं बच्चे, ये था व्यापार, व्यापार। लेकिन मैं सलीम और तू अनार। खोलो पन्ना नंबर 104। ओ आई सी, तो ये था तुम्हारा एक और शिकार। लेकिन इनाम मिला ओनली 2000। लेकिन मैं भी हूँ उस्तादों का सरदार। स्टॉप बालक, अब भागना है बेकार, अब चलो सलाखों के उस पार। और तुम ले जाओगी इनाम 10000। कम ऑन, मूव ऑन। ये रहा आपका मुजरिम रॉकी। हजार बंद कर दो इसे। ठहरो, मैं खुद ही बंद हो जाता हूँ। रूम नंबर खोली नंबर 4। थैंक यू सरकार। ठहरो, ये क्या है? ये दवा है इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा था अगर इसे आधा घंटा पहले ना लो तो रात भर कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं होगा। ए, क्या नहीं होगा रे? नहीं नहीं आएगी, और क्या होगा? अनार बंद कर दो इसे। अलविदा अनार, फिर करूंगा तेरे दीदार। फुट में टॉप। अब हमारा 10000 रुपया, फटाफट कड़क कड़क नोट। चलो यहाँ दस्तखत करो। हमको पता है साहब, अभी हेडक्वार्टर जाएगा, फिर वहां से हमको पैसे मिलेंगे। आपको हमारा पता तो मालूम है। सलाम साहब, पैसे जरा जल्दी है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई ठाकुर विजय सिंह, सोने के ओपनर से
पोतले खोलते हो? अरे भाई शाकल, इसी सोने के ओपनर से हमारे स्वर्गवासी पिताजी परसों तक बोतले खोलते रहे, लेकिन साथ साथ तिजोरी भी खुलती गई, और जब वो मरे तो अपने इकलौते बेटे के लिए ये सोने का एक ओपनर और अपने इकलौते भाई के लिए पत्थर की हवेली छोड़ गए। डोंट वरी ठाकुर, शाकाल की अक्ल और दोस्ती में भरोसा रखो, शहर में अपना काम जोरों पे है। शाकाल भाई, इसी भरोसे पे तो कर्जा ले लेकर अयाशी हो रही है। चंपा भाई शुरू हो जाओ। जब तक हम यहां हैं कोई बाहर नहीं जाएगा। भाई ये माल जिसका है से वापस कर दो। ए अम्मी जान, घोड़ा घर से और तवा पैसे से नफरत करेगी तो भूखी नहीं मर जाएगी क्या? तमीज से बात कर, अब ये लड़की तवायफ नहीं। आज के बाद चंपा की आवाज तो क्या, इसका साया भी कोई नहीं खरीद सकता। तो क्या तुम इसे अपनी धर्म पत्नी बनाओगे थानेदार सिंह? ठीक है, पता बता देना, हम वहां भी मुजरा सुनने आ जाएंगे। नहीं ठाकुर, मैं नहीं चाहती कि ऐसे नीच के खून से हाथ रंग कर तुम मेरी मम्मी सिंदूर भरो। अरे क्यों आंखें खोलकर सपना देख रही हो भाई? तुम थानेदार सिंह का हाथ पकड़ोगी, कानून थानेदार सिंह को पकड़ेगा। तुम्हारे हाथों की मेहंदी अभी सूखने नहीं पाएगी, तुम्हारी मांग सुनी हो जाएगी। थानेदार सिंह, शायद तुम हमें नहीं जानते, शहर के तमाम बदमाशों के अड्डे शाकाल के इशारे पे चलते हैं। चलिए ठाकुर साहब, बहुत बेइज्जती हो चुकी है, चलिए। से तुम भाई नहीं ठाकुरायन कहलाओगी। ठाकुर ये क्या खंजर? चाचा जी, अब हमारे सारे दुख यही खंजर दूर करेगा। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। चाचा जी, आपने डाकू थानेदार सिंह का नाम सुना? हाँ। ये खंजर उसी की निशानी है। तो फिर क्या हुआ? डाकू थानेदार सिंह जहाँ भी डाका डालता है ये खंजर वहां निशाने के तौर पर छोड़ जाता है, और अब हम ऐसे सैकड़ों खंजर बनवाएंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे, और बदनाम होगा डाकू थानेदार से। Thank you.
चलो मेरे साथ। क्यों भाई, आधी रात को सीटी बजाते हुए घूम रहे हो? अरे भाई ये तो हमारी ड्यूटी है। ऐसे नहीं करते हैं, बदमाश देखेंगे तो उठा कर ले जाएंगे। इतनी रात के आप एक शरीफ लड़की के कमरे में क्यों आए हो? अब हम भाई हो गए क्या? मैं रांझा हूँ जिसे तुमने हीर बनकर 1000 रुपए के लिए अंदर करवा दिया था। और मैं फरहाद हूँ, तूने कहा था पिछले जन्म में तेरे लिए मैंने पहाड़ खोद डाला था, और इस जन्म में 2000 के लिए तुमने मुझसे चक्की पिसवाई। अपन रोमियो, तुम बोला तुम जूलियट है, जब ये अंदर गया तो मालूम पड़ा तुम जूलियट नहीं है, अपन इजेट है। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग तो 1000-2000 रुपयों के लिए रो रहे हो, लेकिन इसने तो अपने सलीम को 10000 रुपयों के लिए अंदर करवा दिया था। तुम लोग क्या चीज हो? लेकिन हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी अनारकली को हाथ लगाने वाला तक कोई पैदा नहीं हुआ। अनारकली, हम अपनी अनार से तन्हाई में बात करना चाहते हैं। छोड़ो ना। तक लिया? अरे भाई मार मार के तो गदेला बना दिया, अब तकिया किस लिए? अबे तकिया नहीं, तकलिया यानी फूटो। चलो अपने आप को काबू में रखो छोकरी, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी, समझी? जी में तो आता है कि मार मार के नाक और कान का लेवल एक कर, लेकिन इतना खूबसूरत डिजाइन बिगाड़ने को जी नहीं चाहता। आज तो जा रहा हूं, लेकिन फिर कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर ऐसा आऊंगा कि कभी नहीं जाऊंगा, समझी? लड़के में लो बताइए, मैं तो हो गया डाकू थानेदार सिंह। और ये रहा उसकी मौत का सबूत। ओ, बहुत इंतजार करा है बरखुदा। सर ये कैसी नौकरी है, पुलिस में होते हुए भी कानून मुझे चोर समझता है। सीबीआई वालों को यही सब कुछ तो करना पड़ता है बेटे, कानून के रखवाले होते हुए भी कई बार उन्हें मुजरिम का भेष बदलना पड़ता है। खैर छोड़, ये बताओ कि पुलिस को तुम पर शक तो नहीं हुआ? शक क्या, पुलिस आधे शहर में सीटियां बजाते हुए घूम रही है। वेरी गुड, व्हाट वेरी गुड। पहले आप मुझे ये बताइए कि अच्छे खासे सीबीआई ऑफिसर को लौकी जैसे मुजरिम का भेष क्यों बदलना पड़ रहा है? एक मिशन पूरा करने के लिए बेटे। मिशन? हाँ राकेश, ये जानते हुए भी कि ये काम कितना खतरनाक है मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि मेरी नजर में तुमसे ज्यादा होशियार ऑफिसर कोई नहीं है। डैडी ये सच है, मेरी रगों में आपका खून नहीं, लेकिन बचपन से ही मैंने आपको अपना सब कुछ माना है, मेरी वजह से आपका सर कभी नहीं झुकेगा। आप ऑर्डर कीजिए। देखो राकेश, पिछले कई साल से ये डाकू हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है,
पुलिस इसे आज तक नहीं पकड़ पाई, इसलिए आज से ये फाइल मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। क्या नाम है इसका? थानेदार सिंह। थानेदार सिंह? अरे बेशरम, विदा होते ही गाने गाने लगे। ये नहीं जा रही बापू, वो मैं बजा रहा। क्या बजा रहा है? तेज ने मिला रेडियो। अरे जब गाने बजाने वालों को पैसे दिए हैं तो दहेज का माल क्यों घिस रहा है? ना इधर बंद कर। अरे बंद हो गया। दहेज की पेटी कहाँ रखी है? दहेज की पेटी बापू, वो तो मैंने ऊपर रखी छत पर। दहेज की बेटी ऊपर रखती और ससुर की बेटी नीचे। बेटी नीचे रखता और बेटी ऊपर। जितना तू मोटा है ना उतना तेरी अक्ल भी मोटी। क्या हुआ बहू? दब गई थी। दब गई थी? अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? वही होगा बापू जो माता जी का हुआ था। पानी पियोगे बेटी? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे प्यास लगी है? तेरी शक्ल से लग रहा है। एक बात पूछूं माँ जी, आप इस उम्र में ये पानी पिलाने का काम क्यों करती हैं? आपके कोई औलाद वलाद थी? मेरे दो बेटे थे, दोनों ही बिछड़ गए। कैसे? 20 साल पहले इसी से गए, इसी बस स्टॉप पर। मेरा छोटा बेटा अंदर बैठा हुआ था और बड़ा बड़ा छत के ऊपर छुपा हुआ था। मैं छोटे बेटे के लिए पानी लेने उतरी तो इतने में बस चल पड़ी। कुछ देर के बाद पता चला वो बस पानी में गिर गई और मेरे दोनों बेटे मुझसे बिछड़ गए। मगर मेरा मन कहता है मेरे दोनों बेटे जिंदा हैं और एक न एक दिन वो मुझे जरूर मिलेंगे इसी जगह इसी बस स्टॉप पर। छोड़ो बेटे, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे? लो पानी पिला। और पियोगे? हाँ माँ जी, ऐसा लगता है जैसे बरसों का प्यासा। तो ठहर, मैं अभी ले आती हूँ। चलो 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 भाई, बस का टाइम हो गया। चलो 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 बाबू साहब, बस का टाइम हो गया। चलो भाई। चलो बाबूजी जल्दी, बस का टाइम हो गया। अरे बाबूजी को अंदर लो भाई, टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। अरे रुको रुको बेटे, अरे सुनो बेटे, बस को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लो। क्यों, आगे रास्ता खराब है क्या? नहीं, तुम्हारे नसीब खराब है। मारो नसीब खराब है। हमारे सरदार डाकू थानेदार सिंह ने तुमको याद किया। तैयार हो जाओ भतीजे, बस आ गई। खबरदार, हम हैं डाकू थानेदार सिंह। हर शख्स अपना अपना माल खामोशी से हमारे हवाले कर दे, वरना ये समझ लो कि भून कर रख दिए जाओगे। जाग ठाकुर, माल ले आओ। ओए, लड़की को उठा के लाओ। नहीं,
इसको मत ले जाओ, चाहे मुझको ले चलो। मेरी दूजे की बीवी गोरी लागे लागे रे लागे अपनी बीवी काली, चोरी का गुड़ मीठा होता कह गए पीर कमाली। कहना मिस्टर भल्ला मियाँ जी सच है वल्ला, कहना मिस्टर भल्ला मियाँ जी सच है वल्ला। दूजे की बीवी गोरी लागे लागे रे लागे अपनी बीवी काली, चोरी का गुड़ मीठा होता कह गए पीर कमाली। है ना मिस्टर भल्ला मियाँ जी सच है वल्ला, है ना मिस्टर भल्ला मियाँ जी सच है वल्ला। नहीं कोई लाल परी तुम भी कोई गुलफाम नहीं, लाज किसी की मत लूटो काम नहीं है मर्दों का, प्यार से हम समझाते हैं मानो कहा हम दर्दों का। ना करो ऐसा अत्याचार बात तो जब है मेरे यार, तुम करो इनकी रखवाली रखवाली। दूजे की बीवी गोरी लागे लागे रे लागे अपनी बीवी काली, चोरी का गुड़ मीठा होता कह गए पीर कमाली। है ना मिस्टर भल्ला मियाँ जी सच है वल्ला, है ना मिस्टर भल्ला मियाँ जी सच है वल्ला। जरा चेहरा तो दिखाओ अपना उनका और इनका, हम न कहें तो लोग कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे कब तक अपने लोगों से अपना नाम छुपाओगे, दूजे के कांधे पर कब तक ये बंदूक चलाओगे। रखो ये सब झोला झोली झूठ की ये कच्ची गोली, अब नहीं है चलने वाली चलने वाली। तुझे की बीवी गोरी लागे लागे रे लागे अपनी बीवी काली, चोरी का गुड़ मीठा होता कह के पीर कमाली। है ना मिस्टर भल्ला मियाँ जी सच है वल्ला, है ना मिस्टर भल्ला मियाँ जी सच है वल्ला। बस ड्राइवर सो गई, हमारा मतलब है अल्लाह ताला को प्यारा हो गई। अभी बस कौन चलाएगी? हम चलाएगी। बोला तुम चलाएगी? बोला चलो देखते क्या है। बिस्मिल्लाह। कुछ बोला सर।
तुम बहादुर भी है और तुम्हारा निशाना भी पक्की है। तुम किसी थाने का दरोगा लगती वाला? नहीं नहीं मियाँ जी, दरोगा वरोगा नहीं। हाँ, बचपन में शिकार का शौक जरूर था। बखुदा झूठ क्यों बोलती? हमने तुम्हारा सरकारी कार्ड देख ली। कहाँ देखा? वो बस स्टॉप पे तुम्हारा वालिदा तुमको पानी पिलाता था, एक ने तुम्हारा जेब काटने का कोशिश की और हमने उसको देख ली। अच्छा अच्छा, लेकिन मियाँ जी वो मेरी माता जी नहीं थी। अरे ब्रादर, हर ज़ाइफ़ औरत किसी ना किसी की माँ होती है। तुम्हारा भी माँ हो सकती है, हमारा भी माँ हो सकती है, इसमें सोचने का बात ही क्या है। आदमी काफी समझदार हैं आप। क्या नाम है आपका? पूछे ब्रादर, काम तो तुमने देख लिया, नाम से क्या मतलब है। वो देखो हमारा जगह आ गया, बस रुको 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 रुको, फिर मिलेंगे खान साहब। क्यों नहीं बला साहब, यार जिंदा सबर बाकी आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर तुमने ये सब खून नहीं किए हैं तो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ क्यों है? कानून को तुम बस शक ही नहीं बल्कि यकीन है। कानून अंधा होता है चंपा, मैं नहीं, मुझे तुम्हारी कसम है। मत लगा मुझे, मैं दवाइफ जरूर हूँ लेकिन मेरे घुंघरू तुम्हारे हाथों की तरह खून से नहीं रंगे हुए हैं। खून से उस कमीने के हाथ रंगे हुए हैं जिसके हाथ में सोने की जंजीर की चाबी है। सोने की जंजीर? वो तो विजय सिंह के हाथ में है। स्टेशन फोन लगा ठाकुर, लगाओ और अपने गुनाहों को कबूल कर। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा स्पीकिंग, मैं ठाकुर विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब फरमाइए। आज तक थानेदार सिंह के नाम पर जितने भी कत्ल और खून हुए हैं वो असल में हमने किए हैं। हमने नहीं, अपने भतीजे और अपना नाम ले ठाकुर। मेरा मतलब ये है कि ठाकुर विक्रम सिंह और मेरा भतीजा विजय सिंह, हाँ हम दोनों ने किए हैं। बेचारा थानेदार सिंह तो बिल्कुल ही बेकसूर है। ठाकुर टेलीफोन बंद नहीं करना। इंस्पेक्टर, आपने असली बुजुर्गों का बयान सुन लिया? सुन तो लिया लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि यह बयान ठाकुर विक्रम सिंह जी ही दे रहे थे। इसके लिए यहां आपको आने की तकलीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर। अगर तुम लोगों ने पुलिस के सामने अपना बयान बदलने की कोशिश की तो आज जिंदगी में पहली बार तुम दोनों के खून से हमारे हाथ रंगे जाएंगे। यह है वो खुफिया रास्ता, जल्दी बचने का एक ही तरीका है। चलो चलो मेरे साथ, जल्दी। ठाकुर विक्रम सिंह, विजय सिंह साहब, वो देखो। क्या हुआ? बोलो, तुम्हें किसने जख्मी किया? इंस्पेक्टर साहब,
मैं ठाकुर विक्रम सिंह और वीर सिंह का आदमी हूँ। मेरी बात सुनिए, आज तक इतने भी खून हुए हैं तो सब ठाकुर विक्रम सिंह और वीर सिंह ने ही किए हैं इंस्पेक्टर साहब। ये तो ठीक है भतीजे कि हम बच निकले, लेकिन उस कमबख्त थानेदार सिंह ने हवेली का साया भी हमारे सर से उठा लिया। तुम फिक्र मत करो चाचा, मैं थानेदार सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। hey! चंपा बाई को उठाकर हमारे शहर का डब्बा लेकर आओ। ऐसे ही होगा ठाकुर। अब देखना चाचा, थानेदार सिंह कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ हमारे पास आएगा। अरे ये रास्ता तो शहर की तरफ जाता है, तुमने तो कहा था कि मुझे ठाकुर ने बुलाया है। अरे ठाकुर विक्रम सिंह भी तो ठाकुर हैं। तो ये विजय सिंह की जाल है, लेकिन मैं इस जाल में फंसने वाली नहीं। चीक पीछे लो, जल्दी बैठ। लगता है मेरे बेटे आ गए। बेटे तो बेटे नहीं माँ जी, बेटियां आ गई हैं। नमस्कार। तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आ गए? मैं बताती हूँ, इस बेचारे के पीछे गुंडे लगे हुए थे माँ जी, मैंने इसे अपने फटफटी से बचाया। उसके बाद माँ जी गुंडे हम दोनों के पीछे और हम दोनों आगे, गुंडे पीछे और हम दोनों आगे, सामने दिखाई दिया आपका घर। छिपने का सहारा मिला, हम दोनों आ गए। माँ जी हम अबलाओं की रक्षा कीजिए। पर तुम हो कौन? मैं तुम रो क्यों रही हो? माँ जी मेरे हस्बैंड ने मेरा बैंड बजा दिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है मेरे पतिदेव वो मुझे छोड़कर चले गए, मैं उन्हीं की तलाश में बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे भटकती रहती हूँ। माँ जी चिंता मत कर बेटी, तेरे पति तुझे जरूर मिल जाएंगे। चलो तू कहाँ जा रही है बेटी? आपने मुझे बेटी कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है माँ जी, मैं ऐसी पवित्र जगाने के लायक नहीं। क्यों, ऐसा क्या दोष है तुझमें? दोष मुझमें नहीं, मेरे तकदीर में है माँ जी। मैं ऐसी अभागन हूँ जिसने बचपन से सिर्फ नफरत और जलालत देखी है। पर ऐसा क्या किया है तुमने? मैंने नहीं किया माँ जी, तकदीर ने कराया है, ठोकरे और गरीबी ने बनाया है। क्या बनाया? तवायफ। तवायफ? नहीं, तू जैसे लड़की तवायफ नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती माँ जी, तवायफ नहीं हो सकती। हाँ किसी की वाइफ हो सकती है, लेकिन तवायफ बिल्कुल नहीं हो सकती माँ जी। यही तो मैं कह रही हूँ। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी शायद यही कहती कि मेरी बेटी तवायफ नहीं हो सकती। भाई इसमें तुम्हारा क्या दोष है, ये तो सब भगवान का मिस्टेक है ना माँ जी? हाँ बेटी, जब भगवान ने तुझे यहाँ भेज ही दिया है तो अब मैं दोबारा तुझे कोठे पे नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे अपने पास मत रोकिए, मैं नहीं चाहती कि कल मेरी वजह से पुलिस आपको तंग करे। पुलिस? हाँ? क्या क्या क्या? पुलिस? तुम कहीं से भाग रही हो? तुम्हें कुछ इनाम मिला है? नहीं, मैं जिसे प्यार करती हूँ पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कौन 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 कौन? डाकू थानेदार सिंह। डाकू? डाकू कौन? थानेदार सिंह। थानेदार सिंह? थानेदार सिंह वही जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है? हाँ। कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। अगर कोई मुझसे बता भी गई तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर उसका सामना करेंगे। हम दोनों क्यों माँ जी, हम तीनों मिलकर सामना करेंगे। अरे बहना तुझे मैंने गुंडों से बचा लिया था तो पुलिस क्या चीज है? घबराओ नहीं, ये पुलिस की एक चाल है डाकू थानेदार सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, और तुम बदमाशों के गैंग का सरदार होगा ये नौजवान। ठहरो,
जिसे आज तक दुनिया रॉकी समझती रही, दरअसल वो रॉकी नहीं, राकेश है, सीबीआई ऑफिसर। तुम लोग जा सकते हो। राकेश कम। हाँ राकेश, मुझे इसका रिजल्ट जल्दी ही चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा सर। वो क्या है? डाकुओं में सबसे बड़ा डाकू उसको माना जाता है जिस पर सबसे ज्यादा इनाम हो। थानेदार सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम है, इसलिए वो डाकुओं का बादशाह है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट मुझ पर उससे ज्यादा इनाम रखे और मैं डाकुओं का शहनशाह बनूं, तो फिर बादशाह और शहनशाह में टक्कर अपने आप होगी। इंस्पेक्टर मेहता, अपने इलाके के सारे पुलिस स्टेशन को ऑर्डर भेज दीजिए कि डाकू राका को हर हालत में जिंदा गिरफ्तार किया जाए। As you like, sir. लेकिन राका के सर पर 1,00,000 रुपए का इनाम है, उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए, फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर मेहता। आई वॉन्ट हिम अलाइव। शहजादा सलीम बड़ी तरक्की की है, 10,000 से 1,00,000 पर पहुंच गए हो। भाई हमने तो पहले से ही कहा था कि लड़की में बहुत बात है, लेकिन अब अगर हमको लखपति बनना है तो इस बकरे की तलाश करनी पड़ेगी। ये अपने इलाके में नया डाकू पैदा हो गया, नाम है राका। लगता है सरकार ने काफी इनाम रखा है इस पर। शायद तुम मुझे नहीं जानते, ये इलाका मेरा है। अच्छी तरह जानता हूं थानेदार सिंह, तुम डाकुओं के बादशाह हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। भीमा! जानता हूं तुम पे मुझसे दुगना इनाम है राका, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम 24 घंटे में अपने साथियों के साथ इस इलाके को छोड़ दो। अगर तुमने हमारी राय नहीं मानी ये मत समझना कि मैं यहां अकेला हूं। चारों तरफ घूम कर देख लो, सर आज थानेदार सिंह से पहली मुलाकात हुई। गुड, वेरी गुड। उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बजाय चुनौती दी है। तुम फिक्र मत करो, सारी पुलिस फोर्स मौके वारदात पर होगी। अब दूसरी मुलाकात का इंतजार है। पानी तो पीने दो बड़े भाई। तुम अभी तक इस इलाके को छोड़कर गए नहीं। थानेदार सिंह, तुम शायद एक बात भूल रहे हो, सरकार ने तुमसे दुगना इनाम हम पर रखा है। अगर तुम डाकुओं के बादशाह हो तो हम भी डाकुओं के शहनशाह हैं। अगर तुम डाकुओं के शहनशाह हो तो फिर तुम्हें शहनशाहों की गद्दी पर बैठना चाहिए, है ना? राका, मेरे एक इशारे पे तुम्हारा सर बंदूकों का निशाना बन जाएगा। जरा पीछे मुड़ के देखो।
तुम्हें तो इशारा करना पड़ेगा थानेदार सिंह। हमारा इशारा किए बिना ही तुम्हारा सर कई बंदूकों का निशाना बना हुआ। मैं जानता हूँ राका, अच्छी तरह जानता हूँ। इन आदमियों के खून से इस धरती को लाल करके क्या फायदा। दुश्मनी हमारी तुम्हारी है, इससे बेहतर यही होगा कि फैसला आपस में कर लेते हैं, आखिरी फैसला। एक शर्त है कि जो भी हारेगा वो अपने आप को जीतने वाले के हवाले कर देगा। मंजूर? ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, खून ज्यादा निकल जाने से जान का खतरा पैदा हो गया। डॉक्टर साहब, दोनों का ये ब्लड ग्रुप ओ है और ये ब्लड अपने पास नहीं है। ओ गॉड, जब तक शहर तक खून आएगा इट विल बी टू लेट। चंपा, क्या हुआ रीता? तू जिसे प्यार करती है उसकी हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में। कौन? थानेदार सिंह। हाँ, वो और रॉकी, दोनों में से शायद कोई ना बचे। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। चल। अरे सुन तो, न जाने किसके बेटे होंगे, मैं भी तो देखो।
भगवान मेरी जिंदगी ले लो, अगर उन्हें कुछ ना हो मर जाऊंगी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। रीता, एक ये लड़की है जो अपने आप को मोहब्बत पर कुर्बान करने के लिए तैयार है, और एक तू है जो मोहब्बत का सौदा करती आई है। डॉक्टर साहब, ये दोनों बच्चे होंगे ना? हाँ बहन जी, ये दोनों बड़े भाग्यशाली कि आप ही ने मिल गए, अब ये जरूर बच जाएंगे। नर्स, ट्रांसफ्यूजन बंद किया जाए और बहन जी को आराम करने के लिए दूसरे कमरे में ले जाओ। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं लाई हूँ। आपकी जान खतरे में थी। तुम लाई हो? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेकर गई? समझा। शायद मैं मर जाता तो तुम्हें इनाम नहीं मिलता, तुम्हारा लाख रुपए डूब जाता। मुजरिम को फांसी देने से पहले उसकी तबीयत ठीक की जाती है, बकरे को काटने से पहले उसे हरी हरी घास खिलाई जाती है। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो इंसानों का सौदा जानवरों की तरह करती हो। नहीं, नहीं, मैं ऐसी थी लेकिन अब ऐसी नहीं। आज मैंने एक औरत को अपना प्यार बचाने के लिए भगवान से लड़ते हुए देखा है। आज मैंने एक बूढ़ी औरत को अजनबियों की जान बचाने के लिए अपना खून देते हुए देखा है। मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैंने जिंदगी का सौदा नहीं, जिंदगी से प्यार करना सीख लिया है। और बेटे, भगवान करे तेरा ये प्यार हमेशा बना रहे। आप और यहाँ? यही तो है जिन्होंने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। आपने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई, मगर क्यों? बेटे, सूरज धरती को रोशनी क्यों देता है और माँ माँ अपने बच्चे को दूध क्यों पिलाती है? छोड़ो बेटे, तू इन बातों को नहीं समझेगा। आज अगर तेरी माँ यहाँ होती तो वो इन बातों को समझ सकती। बेहोश हो गई थी। बेहोश तो राका हुआ था, मैं तो होश में आ गया। क्या? हाँ, खून और पानी से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं ठांडा सिंह नहीं हूं, चप्पा ठांडा सिंह नहीं हूं, मैं राम हूं। राम मेरा छोटा भाई लक्ष्मण था, वे मेरी मां थी। जी नहीं है। सच? वो बेचारी बस स्टॉप पे पानी पिलाती है। भगवान के खेल भी निकाले हैं, आज उसी मन अनजाने में अपने बेटे राम को खून देकर उसकी जान बचाई है। राम, तुम्हारी माँ यही है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं चंपा, नहीं, माँ को कभी नहीं पता चले कि मैं उसका बेटा राम हूँ। क्यों? चूंकि मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। जब तक विक्रम सिंह के खून से अपने हाथ नहीं रंग लेता, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। लेकिन राम, कानून तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा। इसीलिए माँ को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका बेटा राम हूँ। वो दोबारा अपने बेटे से बिछड़ने का सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो मर जाएगी चंपा, मर जाएगी। कौन मर जाएगी बेटी? कोई नहीं माँ, कोई नहीं। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। जब तक तेरा खून मेरे रगों में बह रहा है, मुझे कुछ नहीं होगा।
तूने मुझे जिंदगी दी है माँ, आज से ये जिंदगी तेरी है। जहां तेरे आंसू बहेंगे वहां मेरा खून बहेगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी जिंदगी के हर दुख बांट लूंगा माँ, हर दुख बांट लूंगा। बेटी कुछ तो वैसे होते हैं जिन्हें इंसान तो क्या भगवान भी नहीं बांट सकता। अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। क्या तुम तो मेरे बिछड़े हुए लक्ष्मण को ला सकते हो, मेरे राम को मुझसे मिला सकते हो? जो हो गया सो भूल जाना ही अच्छा है माँ, आज से तू मुझे अपना ही बेटा राम समझ। समझाना होता तो मैं अपना खून क्यों देती, लेकिन दिल के बहलाने से दिल के जख्म नहीं भरते बेटे। अच्छा तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाना ले आती हूँ। राधा बेटी तू इसका ख्याल रखना। हाँ मौका अच्छा है, इससे तुम्हें थानेदार सिंह के अड्डे का पता लग जाएगा। यहां चलो। क्या बात है, यह अंधेरा क्यों है? इंस्पेक्टर अंदर जाके देखो वो दोनों मुलजिम सही सलामत हैं। सर अंदर राका और थानेदार सिंह दोनों गायब हैं। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। सर मैं जनरल हॉस्पिटल से डीएसपी खान बोल रहा हूं। डाकू थानेदार सिंह और राका दोनों फरार हैं। मुझे राका की फिक्र है सर। सरदार की जगह हम अपने दुश्मन को उठा रहे हैं। गंगे डाल दस हम जाले को तहखाने में और इस पे सख्त निगरानी रखना। गुंगा गुंगा ऐसे नहीं बोतल दो ना। Yeah!
इंस्पेक्टर शर्मा ऑन द लाइन ओवर। मैं सीरिया ऑफिसर राकेश बोल रहा हूँ। थानेदार सिंह अस्पताल से भाग गया है सर, ओवर। मुझे थानेदार सिंह के अड्डे का पता चल गया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैं पूछता हूँ कहाँ है वो? लाखन, वो भाग गया सुधार। एक तो गलती से मेरी जगह उसे उठा लाए हो, फिर कहते हो भाग गया। सारा नाटा बदलो, जानते हो पुलिस अफसर है। चलाओ। भीमा, बारूद साथ ले चलो। तुम्हारे लिए खतरा है, चलो मेरे साथ। तुम यहीं छुपी रहना, अपनी अपनी जगह संभालो। चारों तरफ से घेर लिए, लेकिन थानेदार सिंह बचकर निकल गया है। डोंट वरी, मैं जानता हूं थानेदार सिंह कहां जाएगा। ओवर। कांस्टेबल। यस सर। जब तक मेरा मैसेज नहीं आता, ये लड़की कहीं जाने ना पाए। अरे भैया, अब आपकी जिंदगी में आ गए तो जाएंगे कहां? माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? ये जख्मी हो गई है, इसे कुछ दिन के लिए सहारा दोगी? क्यों नहीं,
जब तुझे बेटा समझा है तो ये तो बहू हुई ना, तू जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। जा आ बेटी, जाओ जाओ। अभी डॉक्टर आता है। हनुराज सिंह कहाँ है? तुम दोनों तो पागल हो गए हो, इस बेचारे की जान पर बनी है और तुम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हो। क्या हुआ इन्हें? देख देख क्या हुआ, ये देख। अरे जख्म तो काफी गहरा है, थानेदार सिंह इन्हें इस हालत में छोड़कर गया कहाँ? वो डॉक्टर को बुलाने गया है। सुन, तेरी रगों में भी मेरा खून है और उसकी रगों में भी। इस तरह से मैं तुम लोगों की माँ हुई ना। हाँ सो तो है। तो फिर माँ का हुक्म मानना चाहिए ना। जरूर मानना चाहिए, आप हुक्म देकर तो देखिए। तुम क्यों ले? चलिए डॉक्टर। डॉक्टर जी, तुम्हें जरूरत अंदर है। जाता हूँ। राजा सिंह तुम ऐसा चलो। चलो। फिर तूने झगड़ा शुरू कर दिया? झगड़ा नहीं माँ जी, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। ये एक डाकू है और मैं एक पुलिस ऑफिसर। चलो। सुन मेरी बात तो सुन। लक्ष्मण। लक्ष्मण। हाँ, ये लॉकेट मेरे बेटे लक्ष्मण के गले में था। इसका मतलब मैं आपका बेटा लक्ष्मण? हाँ बेटे, वो देख तेरे बचपन की तस्वीर, वो तेरा बड़ा भाई, तेरे पिता। याद है तू बचपन में बस में जा रहा था और मैं तेरे लिए नीचे पानी लेने उतरी थी। जब मैं वापस लौटी तो बस चल पड़ी। कुछ देर के बाद पता चला कि वो बस पानी में गिर गई। लक्ष्मण मेरा बेटा। लक्ष्मण कहाँ बिछड़ गया था तू? लक्ष्मण, तेरा बड़ा भाई राम कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? माँ, वो हमसे बिछड़ गए, नदी में कहीं बह गए, पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं। थानेदार सिंह रुक जाओ। माँ जी से रोक लीजिए, कहीं ऐसा ना हो एक घर के हाथ में दूसरे घर का खून हो जाए। क्या नहीं लक्ष्मण, ये तेरा बड़ा भाई राम है। तेरा भाई राम है लक्ष्मण? मेरा बड़ा भाई राम? ये सच है, उन्होंने मुझे बताने से मना किया था। लेकिन क्यों मना किया था? क्योंकि राम अपने पिता के खूनी ठाकुर विक्रम सिंह से बदला लेना चाहता है। इससे पहले भैया विक्रम सिंह का खून करके मुजरिम बने, मुझे विक्रम सिंह को पकड़ लेना चाहिए। अरे ये क्या, हमारा फोटो अमिताभ बच्चन के ऊपर? अरे हमने तो ये समझा था कि पुलिस ने पुरानी फाइलें रद्दी में फेंक दी होंगी। समझा तो मैं भी था चाचा, लेकिन तुम चिंता मत करो। जानी जरा पता लगाओ कि ये कौन सा नया इंस्पेक्टर है जो हमारे चाचा जैसे पुराने खिलाड़ी के साथ शतरंज की नई बाजी लगाना चाहता है। हम उसका पूरा कुंडली आप तक जल्दी पहुंचा देगा। अरे आप भाई साहब, आपका एहसान मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकती। आपने मेरे अनाथ बेटे को सिर्फ न पाला पोसा बल्कि एक बड़ा पुलिस अफसर बनाया। इसमें एहसान की कोई बात नहीं बहन। सर ये रहा उस इंस्पेक्टर का फोटो। अच्छा तो ये है वो साहबजादे, और ये जो पीछे खड़ी ये औरत कौन है? सर ये उसकी माँ है। ये उसकी माँ है? काहे को मारता है बहन? शाकाल को मरे 2 महीना हो गया, हमने अपने हाथों से दफन किया है। तुमको यकीन नहीं आता तो ग्रेवयार्ड में चलकर उसका ग्रेव देख लो। वो तो ठीक है,
लेकिन थानेदार सिंह का क्या होगा? वो तो हमारी तलाश में है। अरे वो हमारी तलाश में कहीं, असल में वो अपनी मौत की तलाश में है। अब तक तो उसे हमारे आदमी लेकर आ भी रहे होंगे। आप लोग किस खुशी में मुझे यहाँ लाए? भाई तुम ही बता दो, ये दोनों गूंगे लगते हैं। विक्रम सिंह ठाकुर, विक्रम सिंह बोल कमीने। लगता है हमारे हंटर के जख्म भर गए। क्यों? वो जख्म तो कब के भर चुके हैं, लेकिन जो जख्म हमारी आन पर लगे थे वो आज तक हरे हैं, और उसी के इलाज के लिए तुझे यहाँ लाया गया है। गाड़ी बोले चलो। हर कुत्ते के दिन आते हैं विक्रम सिंह, आज तेरा दिन है। थानेदार सिंह, हंटर छोड़ दो, चुप। तुम शाकाल को ढूंढ रहे थे? उसे तो हमने 2 महीने पहले ही 2 गज जमीन के नीचे दफना दिया है, और अब जरा मरने का अंदाज भी सीख लो। नहीं विजय सिंह, हम इसकी जान बख्शते हैं। बालू सिंह, ले जाओ इसे और काल कोठी में बंद कर दो। यही है वो नीच जिसने तेरे पिता की हत्या की थी। नहीं लक्ष्मण, समझदारी से काम लो। चाचा, ये आपके बारे में क्या शोर मचा रही है? भतीजे, जब भी हमारी जिंदगी की पुरानी किताबें खोलकर देखोगे तो उसमें सूखे हुए फूल ही मिलेंगे। सूखे हुए फूल? हम तो समझते हैं कि अब इनके आखिरी तमाशे का इंतजाम तुम कर ही दो। बॉयस, इनको पकड़ कर लाओ। तशरीफ लाइए भाई जी। माँ। भैया। जाओ, हम भी दो भाई थे, लेकिन आज हम अपने भाई से गले नहीं मिल सकते क्योंकि उसका खून तुमने किया है। इसलिए हम आज तुम दोनों को भी गले नहीं मिलने देंगे। तू चाहता क्या है विक्रम सिंह? बदला। बदला? जिस तरह हम दो भाइयों में से आज एक जिंदा है, इसी तरह तुम दोनों भाइयों में से आज एक को मरना होगा। ये देखो, हमारे पास 2 रिवाल्वर हैं, एक में असली गोलियां हैं और एक में नकली। अगर यकीन न हो तो नमूना हम तुम्हें दिखा देते हैं। अब देखो बेटे,
इसमें असली है। अब तो मुझे भी नहीं मालूम कि असली गोलियां किसमें हैं और नकली गोलियां किसमें हैं। इन दोनों रिवाल्वरों में से एक एक तुम लोग उठाओगे और एक दूसरे पर फायर करोगे, जिसकी जिंदगी है वो बच जाएगा। इसमें से जो भी बच जाएगा उसे हम माँ के साथ आजाद कर देंगे। लेकिन तुम्हारी बात का भरोसा कैसे किया जाए? अरे बरखुरदार, ये एक ठाकुर का वचन है। विक्रम सिंह, इसका क्या सबूत है कि अगर हम मारे गए तू हमारे भाई और माँ को आजाद कर देगा? क्या ये सबूत काफी नहीं है कि हमारे एक इशारे पर तुम सब मौत के घाट उतार दिए जाते? लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चाचा, तुमने जो भी किया गलत किया है। अगर थानेदार सिंह बच गया उसको तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन अगर ये सीबीआई वाला बच गया तो गले पड़ जाएगा। भतीजे, तुम चाचा की चाल से अभी वाकिफ नहीं हो। दोनों रिवाल्वर में असली गोलियां हैं। क्या? एक रिवाल्वर में तो गोलियां नकली थी। अरे उसमें एक ही गोली नकली थी जो मैंने चला दी। अब दोनों में असली गोलियां हैं, तुम देखना दोनों मरेंगे। सोच क्या रहे हो? उठाओ रिवाल्वर और चलाओ एक दूसरे पर गोली। देर मत करो, रिवाल्वर उठाओ वरना तुम्हारी मां को गोली से उड़ा दिया जाएगा। लगता है तुम दोनों को अपनी मां से बिल्कुल प्यार नहीं है। बनाओ निशाना एक दूसरे को। दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने सामने एक बेटे के हाथों दूसरे बेटे का खून होते हुए देख सके? मुझे मर जाने दो मेरे बच्चों, लेकिन इस नीच का कहना मत मानना। मैं इतने अभागा नहीं हूं जो मेरे सामने मेरा कोई भी बेटा मरे। तो क्या मैं इतना अभागी था कि मेरे सामने मेरे भाई का खून हुआ? फिर भी मैं अपनी शराफत का एक सबूत और देता हूँ। अगर तुम लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। चाचा, जो खुद मौत के मुंह में हो उनकी क्या ख्वाहिश हो सकती है? ख्वाहिश तो जिंदा रहने वालों की होती है। अच्छा भतीजे, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है? हाँ चाचा, मेरी भी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है। इस कोठे की बाहर एक दिन अपने आशिक की शह पे आकर मुझे बेइज्जत करके कोठे से निकाल दिया। अजय, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन अपने मुंह पर लगा हुआ तमाचा नहीं भूल सकता। इसलिए आज तुम अपने आशिक की आंखों के सामने वो अधूरा गाना पेश करोगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा अभी होगा। अगर तुम इनकार करोगे तो मेरे एक ही इशारे पर तुम्हारे आशिक की आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। दुनिया के सितम हमको जुदा कर नहीं सकते, जो प्यार के बंदे हैं कभी मर नहीं सकते, जो प्यार के बंदे हैं कभी मर नहीं सकते, दिलवाले हैं अनजान से हम डर नहीं सकते, जो प्यार के बंदे हैं कभी मर नहीं सकते, जो प्यार के बंदे हैं कभी मर नहीं सकते। Thank you.
रुमाल के जमीन छूते ही तुम दोनों गोली चलाओगे। देखा भतीजे, चाचा तुमने ठीक कहा था, गोलियां दोनों में असली थी। क्या छमिया, अब बोलो। कमीने, तूने मेरा सुहाग छीन लिया और आज मेरे हिसाब ने मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए। राम के हाथों लक्ष्मण का खून होने पर ये धरती फट के बन गई और लक्ष्मण के हाथों राम की हत्या होने पर ये आसमान गिर क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं गिर पड़ा कि हम इतने जालिम और पापी नहीं कि एक माँ को अपने बेटों की लाश पर रोने दें। और हमने सुना था कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है। स्वर्ग तो हमें मिला नहीं, हाँ टाइम बॉम्ब मिला, सो हमने रख दिया। तुम दोनों बंदूकें लेकर हट जाओ, क्योंकि ठीक 5 मिनट के बाद टाइम बॉम्ब ब्लास्ट होगा। जल्दी करो, टाइम बॉम्ब 5 मिनट में फट जाएगा। अच्छा, टाइम बॉम्ब तो 5 मिनट में फटेगा, मगर तुम्हारा भेजा तो 1 सेकंड में निकल आएगा। अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दे। जल्दी, अरे अरे जल्दी फेंको। हथियार उठाकर उस स्लिप में डालो। तुम मां को छुड़ा लो। भतीजे, चाचा ऊपर जाएगा या लिफ्ट ऊपर जाएगी? लिफ्ट। जल्दी करो, जल्दी करो। Yeah!
थानेदार सिंह, अगर पिस्तौल में से गोली चली तो लड़की की जान चली जाएगी। बेटे, मां से मिलने का बहुत शौक है, अभी मिलवा देता हूं। बाजी उलट चुकी है, मान ले ले, जल्दी चल। थानेदार सिंह नहीं, तेरी मौत, ये तुम दोनों की बदनसीबी है कि तुम्हारी मौत भी उसी जगह लिखी है जहां तुमने मेरे पिता का पवित्र खून बहाया था। नहीं बेटे, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारी मौत भी उसी जगह लिखी है जहां तुम्हारे बाप की मौत हुई थी। भतीजे, याद आया कमीने, इसी पानी में तूने मेरे पिता का खून बहाया था। अरे
गरीबों का खून बहुत महंगा होता है कुत्ते, इसकी कीमत खून देकर ही चुकानी पड़ती है। भैया भैया छोड़ रहे थे, इसके गंदे खून से अपने हाथ आबाद मत कर भैया। भैया छोड़ रहे थे, इसने हमारे पिता का खून किया है। हट जाओ। इंस्पेक्टर राकेश? राकेश नहीं सर, लक्ष्मण। और ये मेरे बड़े भाई राम है। आई सी। अब तो आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान का दिन है। देखना है क्या लक्ष्मण अपने भाई राम को हथकड़ी लगा सके। थानेदार सिंह उर्फ राम सिंह, तुम्हारे गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें 3 साल कैद की सजा देती है।